प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय गुरुवार को सीआईआई द्वारा नवा रायपुर अटल नगर स्थित मे फेयर लेक रिसोर्ट में आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से स्टील समिट आयोजित किया गया था। इस समिट में देश भर के कई नामी उद्योगपति शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख स्टील निर्माताओं में से एक है। भिलाई स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा लोहे का भंडार वाला बैलाडीला यहीं पर है। छत्तीसगढ़ में अभी भी इस्पात उद्योग की अपार संभावना है। सीएम साय ने यह भी कहा कि आने वाले समय में हम और भी इस्पात संयंत्र स्थापित करने वाले हैं। इन उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को लेकर भी हम गंभीर हैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2070 तक पीएम मोदी ने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का दृष्टिकोण रखा है। पहले एमओएस के नाते अनेक समिट हमने अटेंड किया है, लेकिन काफी अंतराल के बाद आज चीफ मिनिस्टर के नाते समिट अटेंड कर रहा हूं। अत्यंत खुशी हो रही है। मैं आप सभी उद्योगपतियों का आज के इस समिट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको मैं जोहार करता हूं। मैं सीआईआई परिसंघ को धन्यवाद दूंगा कि उसने ग्रीन स्टील समिट 2024 के आयोजन के लिए हमारे प्रदेश का चयन किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत के प्रमुख स्टील निर्माता राज्यों में से है। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगर नार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाइयां तो संचालित हैं ही, इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के छोटे बड़े अनेक इस्पात संयंत्र भी संचालित हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र अपने विस्तार के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे बड़ा और उत्पादन के दृष्टिकोण से सेल का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। आप लोगों को यह भी पता है कि छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं। एशिया की सबसे बड़ा लोहे का भंडार बैलाडीला यहीं पर है। इसके अलावा रावघाट और दल्ली राजहरा सहित और भी अनेक लोहायस के भंडार हैं। इस समय देश में कुल उत्पादित स्टील में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 15 से 20% है। लोह खनिज के उत्पादन के मामले में भी हमारी गिनती देश के प्रमुख उत्पाद राज्यों में होती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में यहाँ के उद्योगों की भागीदारी। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि सीआईआई छत्तीसगढ़ यहाँ पर ग्रीन स्टील समिट आयोजित किया है, जिसमें देश ही नहीं विदेश से भी उद्योगपति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और 2 दिन का ये समिट है और इसमें निश्चित रूप से ग्रीन स्टील उत्पादन की दृष्टि में विचार विमर्श होगा। अनेकों उद्योगपति आए हैं, सबके अनुभव का यहां लाभ होगा। और जिस तरह से आज दुनिया चिंतित है कार्बन उत्सर्जन से, और निश्चित रूप से ये समिट ग्रीन स्टील निर्माण के क्षेत्र में और कार्बन से मुक्ति दिलाने के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, कारगिल विजय ऐतिहासिक मिली थी तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और उसकी यादगारी में कारगिल दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। बजट बहुत अच्छा है, सभी वर्गों के लिए अच्छा है, और 2047 तक विकसित भारत के रूप में देश खड़ा हो उस संदर्भ में बजट है। लेकिन विरोधी को तो अपना धर्म निभाना ही पड़ेगा।